फ्रेंड्स यूट्यूब के आज के दिन दो न्यू अपडेट आ गए हैं। आज है 15 सितंबर और आज के दिन सुबह सुबह दो न्यू अपडेट आए हैं यूट्यूब की तरफ से। तो चलिए जानते हो दोनों न्यू अपडेट क्या है। और आइलैंड टेक चैनल पर जो लोग पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। कुछ सवाल होगा तो आप लोग नीचे कमेंट करना, मैं आप लोगों को रिप्लाई और हेल्प जरूर करूँगा। जो लोग मुझसे बातें करना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं, वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके चैट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जो YouTube का जो दो न्यू अपडेट आया है उसमें से जो पहला अपडेट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है न्यू यूट्यूबर्स के, न्यू बिगिनर्स के लिए, जो न्यू क्रिएटर्स आ रहे हैं YouTube पर उन लोगों के लिए। क्या है पहला अपडेट कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था और अपडेट दिया था कि 500 सब्सक्राइबर्स से ऊपर जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उन सबको कम्युनिटी टैब मिल जाएगा, जिसमें आप लोग अपने 5+ फोटोज़ को शेयर कर सकते हैं या अपनी कोई भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो 500 सब्सक्राइबर वालों को ही मिलने को YouTube ने बोला था, लेकिन अब उसने कुछ चेंजेस कर दिया और बोल रहा है कि अब जितने भी न्यू क्रिएटर्स आएंगे जिनका 0 से ऊपर सब्सक्राइबर है, यानी कि 0 जैसे ही वो लोग आएंगे उन लोगों को तुरंत मिलेगा, ज़रूरत नहीं है 500 सब्सक्राइबर की, ऐसा उन लोगों ने बोल दिया है। और जल्द ही ये सब लोगों को मिलेगा, जितने भी न्यू क्रिएटर्स हैं सबको कम्युनिटी टैब मिलेगा, जिसमें अपनी खुद की फ़ोटो या अपने जैसे कि थंबनेल या अपने नेक्स्ट वीडियो को या जो वीडियो पोस्ट कर दिए हैं उसको आप लोग पब्लिश कर पाएंगे पोस्ट के अंदर कम्युनिटी टैब के अंदर, जिससे आप लोगों की वीडियो पे और व्यूज़ सब्सक्राइबर आने के वॉच टाइम आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जो दूसरा अपडेट है वो है हैशटैग से रिलेटेड। मैंने कुछ दिन पहले इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था और हैशटैग के बारे में बताया था, लेकिन वो उस टाइम पर आया नहीं था। सिर्फ वो अपडेट सिर्फ चेक करने के लिए दिया था बेटा वर्जन में, और ये जो बीटा वर्जन है ये अब टेस्ट हो चुका है और अब सब लोगों को धीरे धीरे मिल रहा है, मुझे भी मिल चुका है। और आप लोगों को मिला है या नहीं मिला है आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि ये कैसे काम करता है, जैसे कि अगर आप लोग कोई भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करते हैं तो अपलोड करते टाइम पर वहाँ पर जैसे कि जो टाइटल है वहाँ पर अगर आप लोग हैशटैग क्लिक करते हैं, यानी कि हैशटैग लिख करके जो कुछ भी वर्ड लिखते हैं तो उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी हैशटैग होंगे वो सब दिखाई देंगे, और उस हैशटैग को कितने सारे चैनल ने प्लस कितने सारे वीडियोस में यूज़ हुआ है वो सारा आप लोगों को वहाँ पे एनालिटिक्स दिख जाता है हर एक हैशटैग के साथ में, जिससे आप लोगों को अब हैशटैग करना आसान हो जाएगा यूज़। जो कि आप लोगों को हैशटैग कौन सा मालूम नहीं पड़ता था कि सबसे ज़्यादा कौन सा वायरल है, कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, ताकि अब आप लोग आसानी से यूज़ कर पाएंगे हैशटैग को, जिसमें आप लोगों को वीडियो और कौन से कितने सारे चैनल पे यूज़ किया गया है वो सब आप लोगों को अब मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों इस तरह से मैं आप लोगों को दो न्यू अपडेट देना चाहता था और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। जो लोग मुझसे बातें करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर आ जाओ करते हैं बात, और आइलैंड टेक चैनल पर जो लोग पहली बार आए थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना।